ह्यूंडई की आईटी न्यूज का एक सेडान मॉडल मतलब ह्यूंडई की ऑरा, अब भाई इस कार का एक नया फेसलिफ्ट आ रहा है और भाई अब आपको आईटी न्यूज और ह्यूंडई ऑरा पर काफी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अब भाई एक बिल्कुल एक दूसरे की सेडान और हैचबैक वाली मॉडल बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। इसका की भाई ऑफिशियल बुकिंग भी चालू कर दी गई है, मतलब आप करंट वाले ह्यूंडई ऑरा को लेकर अपने पैसों को बर्बाद बिल्कुल भी मत करना। एक नया लुक आपको मिलने वाली है बिल्कुल सेम प्राइस पर, मतलब गाइस इसका की प्राइस भी 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच पर रहने वाली, मतलब आपको सब लोगों को प्राइस पर 19-20 का ही फर्क मिलेगा। इसका भाई जिस तरीके से प्राइस को सेम रखा गया है भाई सेम तरीके से इंजन को भी सेम रखा गया है, मतलब गाइस आईटी न्यूज और ह्यूंडई ऑरा पर बिल्कुल एक ही चीज बिल्कुल सेम रहने वाली है, वो है इसका की इंजन। आपको अभी भी 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन मिलती है, 83 पीएस की पावर और लगभग 114 एनएम के टॉर्क के साथ में। साथ में दोस्तों ये कार भी अभी भी सीएनजी पर अवेलेबल रहने वाली है। इसका की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ देखें भाई फ्रंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है, और साथ में दोस्तों की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो भाई पुरानी वाली वर्ना से मिलती है, लेकिन जो डीआरएल है वो उल्टी एल शेप पर दे दी गई है, मतलब काफी कमाल का लुक दे दिया गया है। स्पिल्ड वाली ग्रिल मिलती है और भी काफी कमाल के चेंज आपको इसके फ्रंट पर मिलती है। जिसका की हेडलैम्प है उसको भाई पहले की तरह की बिल्कुल सेम डिजाइन दिया गया है, और भाई साइड प्रोफाइल पर आए तो भाई साइड प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन केवल भाई इसका की जो एलॉय व्हील है उसको चेंज कर दिया गया है, मतलब एलॉय व्हील के डिजाइन को चेंज किया गया है, भाई साइज अभी भी बिल्कुल सेम है। इसके साथ में उसका रियर प्रोफाइल की तरफ आए भाई रियर प्रोफाइल भाई ऑलमोस्ट करंट वाली और आने वाली ऑरा का बिल्कुल सेम रखा गया, मतलब गाइस ह्यूंडई मोटर्स ने कुछ अच्छा नहीं किया, क्योंकि गाइस जो पुरानी वाली ह्यूंडई ऑरा भी फिलहाल करंटली इंडिया पर चल रहा है, भाई आने वाली ह्यूंडई ऑरा का भी फेसलिफ्ट जो है ना वो रियर से बिल्कुल सेम दिखता है, और भाई सीरियर का तो छोड़ दो भाई इसका के इंटीरियर भी मतलब भाई डैशबोर्ड भी ऑलमोस्ट सेम दिखता है, मतलब गाइस ये फेसलिफ्ट के नाम का हुआ, मतलब गाइस फेसलिफ्ट के नाम पर एक छोटा सा मतलब छोटा सा ही बट मजाक सा बना दिया है ह्यूंडई मोटर्स ने। इस कार के इंटीरियर पर भाई अभी भी आपको 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले, 7200 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ब्लू लिंक का सपोर्ट होगा, जीपीएस, नेविगेशन, रियर कैमरा और भी नॉर्मल सभी फीचर आप सभी लोगों को अभी भी देखने को मिलेगी। इसके साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ये सभी जो नॉर्मल फीचर होते हैं भाई अभी भी यहाँ पर भी मौजूद होने वाला है। इसके साथ दोस्तों इसका सेफ्टी मामले में थोड़ा सा इंक्रीज करके इसके बेस मॉडल से 6 एयरबैग डाल दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम डाल दिया गया है, एबीएस, ईवीडी, रियर कैमरा और भाई डायमेंशन के मुकाबले बिल्कुल सेम रहने वाली है, बूट स्पेस, ग्राउंड क्लीयरेंस, ये सब बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसके साथ दोस्तों क्रूज कंट्रोल को भी डाल दिया गया, मतलब गाइस पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत अपडेट किया गया भाई, जिस तरीके से यहां पर थोड़ा सा अपडेट है ना उसके मुकाबले भाई प्राइस को नहीं बढ़ाना चाहिए, भाई डेफिनेटली प्राइस बढ़ाया भी नहीं गया है, तो भाई डेफिनेटली आने वाले ह्यूंडई ऑरा को आप ले सकते हैं सेम प्राइस पॉइंट पर। और गाइस आप इस कार को मारुति के डिजायर, टाटा के टिगोर और होंडा अमेज के बीच पर क्या इस कार को चूज करेंगे जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।